नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कल जो हुआ वो हुआ, लेकिन आज क्या होगा? आज मिलनी है सेमीफाइनल की टिकट, मिलनी है ना? 100% मिलनी भी, बिल्कुल तैयार है। ऐसी कल क्यों नहीं मिली? वो आकाश में थोड़ा से बादल छाए हुए थे, इस वजह से नहीं मिली। ये मेरी गलती है जी, मेरी गलती है। आज मिल जाएगी। आकाश अपने पास ले आए हैं, कि आकाश को अपने पास ले आए तो बरसात नहीं होने देंगे। बस होगी जितनी होनी थी कल, अब आज तो पार्टी होगी। आज पार्टी होगी क्योंकि आज तो लंदन जाना है ना। वैसे तो आज सुबह जाना था, लेकिन अब लगता है कि यहाँ से आज रात को जाना होगा। लेकिन फिलहाल समीकरण बड़े साफ है। कल न्यूजीलैंड ने जहां पर अपनी पारी खत्म की थी वहीं से शुरू होगी। कल 20-20 ओवर भारत को 20 ओवर मिल सकते थे नतीजे के लिए। अच्छा है, मैं तो कहता हूँ बरसात पड़ गई। कभी कभी जीत को अगर दो बार सेलिब्रेट कर लो तो मजा भी दोगुना आता है। It's and gone. Phone him. This one is just seconds away, basically. That's how accurate they are. पहला सेमीफाइनल, पहले दिन खेल अधूरा। Let's get the hard work done before it really kicks in. बारिश ने डाला खलल। मैच आज होगा पूरा। मैनचेस्टर में पहले सेमीफाइनल पर पानी ऐसे पड़ा कि नतीजे के लिए 24 घंटे का इंतजार बढ़ गया। यानी खस्ताहाल न्यूजीलैंड की हार की तारीख एक दिन के लिए बढ़ गई। अब मैच वहीं से शुरू होगा जहां पर बरसात की वजह से रुक गया था। न्यूजीलैंड का स्कोर 46.1 ओवर में 5 विकेट पर 211 रन है। अब आज उसे बाकी बची 23 गेंद और खेलने को मिलेगी। इस तरह टीम इंडिया को भी मिलेंगे पूरे के पूरे 50 ओवर। हालांकि ये भी तब मुमकिन होगा जब दूसरे दिन भी बरसात ज्यादा खलल ना डाले, क्योंकि मौसम के पूर्वानुमान की माने तो आज भी बारिश के आसार हैं। मैच शुरू होने के वक्त के आसपास तो आसमान में आंशिक तौर पर बादल छाए रहेंगे, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ेगा बारिश की संभावनाएं बढ़ती जाएंगी। हालांकि टीम इंडिया के लिए अच्छी बात यह है कि अगर बारिश की वजह से आज भी मुकाबला अगर धुल जाता है तो उसे फाइनल का टिकट मिल जाएगा, क्योंकि लीग दौर में भारत न्यूजीलैंड से काफी बेहतरीन पोजीशन में था। टीम इंडिया अंक तालिका में पहले तो न्यूजीलैंड चौथे नंबर पर था। वैसे मौसम की मनमानी अपनी जगह, लेकिन इस सेमीफाइनल में पलड़ा टीम इंडिया का मैच शुरू होने से पहले ही भारी था, और मैदान पर भी विराट की टीम ने अपना सिक्का जमा ही लिया। मैनचेस्टर में पहले सेमीफाइनल का जोश पूरे शबाब पर था, और टॉस जीतकर जब न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी का रास्ता चुना तो भारतीय गेंदबाजों ने उसके होश उड़ा दिए। भुवनेश्वर कुमार और जसप्रीत बुमराह की जोड़ी ने अपने पेस की थार से न्यूजीलैंड की सलामी जोड़ी को एक एक रन के लिए तरसा दिया, और जब दबाव सहा नहीं गया तो मार्टिन गप्टिल चौथे ओवर में ही पवेलियन लौट गए। इसके बाद न्यूजीलैंड की विकेटों का पतझड़ तो नहीं आया, लेकिन रन बनाने की गति बेहद धीमी रही। कप्तान केन विलियमसन और ऑस्ट्रेलियर के बल्ले से हाफ सेंचुरी भी निकली, लेकिन 46.1 ओवर में न्यूजीलैंड 211 रन ही जोड़ पाया। मैच पूरी तरह टीम इंडिया की मुट्ठी में आ चुका था, लेकिन न्यूजीलैंड की पारी के 47वें ओवर में बारिश ने आकर सारा खेल बिगाड़ दिया। कुछ इस कदर बिगड़ा कि फिर मैच शुरू भी नहीं हो पाया। टीम इंडिया के लिए अच्छी बात यह है कि उसे डकवर्थ लुईस नियम से मुश्किल होते हालात से फिलहाल सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि जैसे जैसे मैच छोटा होता जा रहा था टीम इंडिया का टारगेट भी उतना ही मुश्किल हो रहा था। अब मुकाबला रिजर्व डे के पाले में आ गया है, लेकिन इससे बस इतना हुआ है कि न्यूजीलैंड की हार एक दिन के लिए टल गई है। विक्रांत गुप्ता, मैनचेस्टर, आज तक। एक बात तो है कि यहाँ से भारत को डिजास्टर ना हो जाए, ड्रामेटिक कोई ऐसा टर्न अराउंड ना हो जाए, दिक्कत आनी नहीं चाहिए। मौसम वैसे साफ है, मौसम की कोई दिक्कत नहीं है। जी हाँ, जो सबसे बड़ी दिक्कत थी वो मौसम की ही थी इस मैच में, और वो कल आ चुकी है। आज मौसम बढ़िया है, साफ है, और वाकई आपने कहा है कि अगर नॉर्मल सब कुछ चला तो मुझे लगता है कि भारत ये 40-45 ओवर में ये टारगेट चेज कर लेगा। हालांकि क्रिकेट में
कुछ भी हो सकता है, बट अबर जितनी क्रिकेट मैं खेला हूँ, जितनी समझता हूँ, देखता हूँ, ये इस टीम को देख के मुझे लगता है कि उम्मीद है कि ये जो टारगेट है कुछ ऐसी परेशानी होनी नहीं चाहिए, परेशानी होनी नहीं चाहिए। और भारत डिजर्व भी करता है, क्योंकि जिस तरह कल भारत ने गेंदबाजी की है और न्यूजीलैंड की टीम बल्ला उठा नहीं पाई। और देखिए टॉस जीत के बैटिंग की थी और सपाट एकदम पिच लग रही थी, उस पर घास बिल्कुल भी हरी नहीं थी, कोई सरफेस मॉइस्चर नहीं था, तो जब सब कुछ आप देखते हैं तो फिर लगता है कि बल्लेबाजी चलो शुरू में आप आराम से खेल लोगे लेकिन बाद में तो पिटाई करोगे। ये सब वेट करते रहे कि अब करेंगे 46 ओवर तो निकल गया, पिटाई हुई नहीं। और इसका आपको जरूर क्रेडिट देना होगा इंडियन बॉलर्स को, क्योंकि सामने केल विलियमसन थे जो सेट थे, रॉस टेलर वो भी सेट थे, अगर आप उनको खामोश रख सकते हैं, मतलब हर गेंदबाज ने लगभग 50% तो डॉट बॉलें डाली हैं, यानी कि सिर्फ चौके नहीं खाए, सिंगल भी नहीं लेने दिया, वो शिकंजा ऐसा कसते रहे हैं। और तो भारतीय टीम तारीफ के काबिल है। और ये बता दिया कि जब न्यूजीलैंड गए थे तो 4-1 से उनके घर में उनको हरा के आए थे, यहां पर भी बेटर साइड कौन सी रही है 46 ओवर में बिल्कुल स्पष्ट हो गया, वो टीम थी इंडिया। कंडीशंस जिस तरह आज भी हैं, ओवरकास्ट हैं, न्यूजीलैंड के पास अच्छे तेज गेंदबाज हैं, ये 211 को 240 तक ले जाएं, 250 तक ज्यादा से लेके जा सकते हैं, इतने में भारत को तंग कर सकते हैं। नहीं देखिए, क्रिकेट है, हो कुछ भी सकता है, पर जैसे आकाश ने भी कहा है कि ये भारत ने दिखा दिया है कि बेहतर टीम कौन है। आप टॉस जीतते हो, उसके बाद आप इंटेंट नहीं दिखाते हो, बतौर कप्तान आप अंदर खेलते हो कि उनका खेलना जरूरी है, साथ में जो प्लेयर उनके आए रॉस टेलर वगैरह, उन्होंने शॉट मारने की तैयारी ही नहीं की और कोशिश ही नहीं की। और रविंद्र जडेजा एक टाइम पे 6 ओवर में 9 रन दिए थे, ऐसा नहीं था कि विकेट में बहुत ज़्यादा स्पिन था या कुछ, यस ऑड बॉल स्पिन हुआ, ग्रिप हुआ, बाउंस हुआ, पर ऐसा कुछ खतरनाक नहीं था। थोड़ा सा न्यूजीलैंड इस चीज़ को लेकर परेशान होगी कि हम बेटर कर सकते थे, बट हमें क्या लेना देना, भारत ने अच्छा किया। क्रेडिट जैसे कहा आकाश ने, बॉलिंग बहुत ज़बरदस्त की, शुरुआत बुमराह और भुवनेश्वर कुमार ने जिस तरह की थी, पहले 6 ओवर में 10 रन अगर लगे हों तो आपका वैसे मोराल हाई हो जाता है। ज़बरदस्त बॉलिंग परफॉर्मेंस, क्रेडिट टू इंडियन बॉलर्स। और आज बैटिंग में भी मुझे लगता है पहले 7-8 ओवर अगर खेल लेते हैं रोहित शर्मा और केएल राहुल तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए चेज में। हालांकि देखिए क्रिकेट में कई बार होता है जो इस तरह के मुकाबले हो ना उसमें छोटे टोटल में भी फंसता है, लेकिन जिस तरह भारत खेला है लगता तो नहीं है कि दिक्कत आनी चाहिए। जबरदस्त फॉर्म में है सुपर हिटमैन, पूरे रंग में है विराट, लय में है राहुल, गुड स्टॉप, तो फाइनल में कैसे नहीं खेलेगी टीम इंडिया। ग्लोरियस, एब्सोल्युटली ग्लोरियस, तो लॉर्ड्स में कैसे नहीं लहराएगा तिरंगा। मैन एट हिज बेस्ट, मैनचेस्टर में आधा काम तो गेंदबाजों ने कर दिया है, न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों पर अंकुश लगाकर बल्लेबाजों के लिए काम आसान कर दिया है। 211 रन बनाकर न्यूजीलैंड की आधी टीम आउट हो चुकी है और अब उसके पास बची है सिर्फ 23 गेंद, यानी अब बहुत ज्यादा रन जोड़ने की गुंजाइश बची ही नहीं है। वो भी उनके सामने वही दो गेंदबाज होंगे जिन्होंने कीवी बल्लेबाजी के धागे खोल कर रख दिए। ऐसे में जीत तो टीम इंडिया को मंगलवार को ही मिल जाती अगर बारिश ने अमंगल ना किया होता। जीत का जश्न मनाने और फाइनल का टिकट पाने के लिए भारतीय बल्लेबाज अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। खासकर रोहित शर्मा जो पहले ही इस वर्ल्ड कप में 5 शतक लगाकर अपनी धाक जमा चुके हैं, अब उनका इरादा तो इस नंबर को और आगे ले जाने का होगा। और भला विराट कोहली क्यों चुप बैठे हैं? इस वर्ल्ड कप में विराट ने रन तो खूब बनाए हैं लेकिन अब तक उनके बल्ले से शतक नहीं निकला है। ऐसे में सेमीफाइनल जैसे बड़े मुकाबले में विराट अगर सेंचुरी लगाते हैं तो इससे बेहतर बात भला उनके लिए क्या होगी। और पिछले मैच में शतक जमाकर केएल राहुल ने भी टॉप 3 को जानदार बना दिया है। न्यूजीलैंड की गेंदबाजी चाहे जितनी धारदार हो लेकिन अब जोश से भरे भारतीय बल्लेबाजों को रोकना अगर नामुमकिन नहीं भी है तो मुश्किल जरूर है। विक्रांत गुप्ता, मैनचेस्टर आज तक।